सरगुजा जिले की करजी में बसंत बेग की करंट से मौत के मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने लेटर पैड में कांग्रेस की 12 सदस्य दल गठित कर जांच कर करने को कहा था। इधर विपक्ष हमलावर है और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। आपको बता दें कि सरगुजा जिले से 11 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत करजी में जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के पॉली हाउस के बगल में मकान निर्माण किया जा रहा था, लेकिन मकान के ऊपर से 11,000 केवी तार गुजरा हुआ है। वहीं राजमिस्त्री ने मकान निर्माण में पाइपलाइन के दौरान 11,000 केवी के करंट की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें दरिमा पुलिस ने सुरक्षा मापदंडों का प्रयोग नहीं किए जाने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता पर धारा 304A के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई थी। लेकिन मामले में तुल पकड़ता देख प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 12 सदस्यीय टीम गठित कर दी थी, लेकिन इस मामले में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और विपक्ष हमलावर है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षद आलोक दुबे ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि संवैधानिक पद नियम और कानून के ऊपर उठकर अपने पद का दुरुपयोग कर 12 सदस्यीय टीम बनाई गई है और जो अपने ही सरकार की पुलिस की जांच को प्रभावित करने के लिए यहां टीम गठित की गई है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के नाम आवेदन देकर उचित कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया है। करजी ग्राम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के फार्म हाउस में जो आदिवासी युवक पंकज बेग की बिजली करंट से मौत हुई थी, इस मामले में छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं माननीय टीएस सिंहदेव जी, इन्होंने संविधान और नियम कानून से ऊपर उठकर इस जांच को प्रभावित करने के लिए स्वयं एक कांग्रेस जनों की जांच कमेटी बना दी है। इसी को लेकर मैंने महामहिम राज्यपाल महोदया से, जो यहां की संवैधानिक प्रमुख हैं, ये मांग की है कि छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव जी को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करें। क्यों? क्योंकि इन्होंने संविधान का पद एवं गोपनीयता और संविधान के रक्षा की शपथ ली है और कानून से ऊपर जाकर अपने सरकार के ही एजेंसी जो पुलिस विवेचना कर रही है उससे ऊपर जाकर एक राजनीतिक कमेटी बनाकर गलत संदेश दिया है और ये आज भी अपने सरगुजा को एक पुरानी स्थिति में ले जाकर नियम विरुद्ध कमेटी बनाए हैं, जिसके कारण इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें पुलिस अपनी विवेचना कर रही है और यहाँ की जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है उसने भी संज्ञान में लेकर एक प्रशासनिक जांच कमेटी के द्वारा इसकी जांच चल रही है। अभी जांच शुरू स्थिति में ही है कि टीएस सिंहदेव जी ने सबसे ऊपर जाकर अपने को संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर, प्रशासन से ऊपर, पुलिस जाँच से ऊपर जाकर जो एक राजनीतिक जाँच कमेटी बना दी है, उसमें भी तीन तीन कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त लोग हैं। तो इस कारण मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जांच प्रभावित होगी और इसके कारण टीएस सिंहदेव जो नियम विरुद्ध काम किए हैं, इसके लिए इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।